ओम शांति। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक ऐसी हस्ती है जिनसे सभी परिचित हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें आपने एक बहुत ऊंचा स्थान लिया है। आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज के यूरोप और मिडिल ईस्ट के डायरेक्टर हैं, और जो भी यूरोप में और मिडिल ईस्ट में सेंटर्स हैं आप उनका सुचारू रूप से संचालन करते हैं। हम निमंत्रण देते हैं आदरणीय जयंती दीदी को हमारे इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, विशेष आप समय निकाल करके पहुँचे हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे भी खुशी है आपके साथ इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। जी दीदी, आज का जो विशेष टॉपिक जो चूज किया है, जिस पे हम बात करेंगे आपस में, वो है फाइंडिंग होप इन डाइवर्सिटी इन एडवर्सिटी। तो जब एडवर्सिटी की बात आती है, बहुत सारे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। सफरिंग है, डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और अभाग्य है, दुर्भाग्य है। तो ये सारे शब्द एडवर्सिटी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा समय जो चल रहा है, तो आप इस समय को किस एंगल से देखते हैं? हम इस समय को क्या नाम दें? आपका क्या पर्सपेक्टिव है आज के समय को लेकर के? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और बात तो ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। यदि हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं कि बहुत अंधेरे का समय है, तो फिर हमको अंधेरा ही नजर आएगा। परंतु यदि हम अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, तो फिर उसमें हमें लगता है कि बहुत कुछ हमें भविष्य के लिए उम्मीद आती। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि समय ऐसे चल रहा था जिसमें कुछ परिवर्तन होने की बहुत आवश्यकता रही, और वो समय अचानक ही आया। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, परंतु पिछले साल और इस वर्ष में मैंने देखा कि दो शब्द सबसे अधिक लोग गूगल में ढूंढ करके उसका उत्तर पा रहे थे। एक तो प्रश्न उनका ये था कि भगवान कौन है, Who is God? और दूसरा प्रश्न ये था, What is meditation and prayer? तो जो लोगों का बहुत materialistic जीवन बन गया, तो हम कहेंगे कि भावी अनुसार वो समय आया जबकि बाहर जाना, चक्कर लगाना, घूमना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ परिवर्तित होकर के ऐसे समय आया जो अपने घर बैठो, काम भी अपना घर से करो। परंतु लोगों को जो समय मिल गया, उस समय के बीच में फिर लोगों ने ये अंदर की यात्रा शुरू की कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और अभी हमें क्या करना चाहिए। प्रेयर करे तो कैसे करे, मेडिटेशन करे तो कैसे करे। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत बड़ा लेसन हम सभी ने सीखा, तो ये ऐसा लेसन है जो हमें भविष्य के लिए भी अवश्य ही काम आएगा। और दीदी, एक बात और बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, क्योंकि बहुत इंडिया में तो स्पेशली हमने देखा कि डेथ रेट बहुत ज्यादा था। बहुत सारी फैमिलीज थे, दे वर कंप्लीटली डिवास्टेटेड। और किस पे दोष दिया जाए? हु शुड बी ब्लेम्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो बहुत सारे लोग ये दोषारोपण करते थे कि ये इसके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ। तो क्या ये सही है कि हम किसी को ब्लेम करें आज के समय के लिए? और अगर ब्लेम करना भी है, तो हम किसको ब्लेम करें? क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है ऐसे टाइम के लिए? जहां तक मैंने बात को समझा है, हम लोगों की जीवन टू मच मटेरियलिज्म में चले गई थी, टू मच फास्ट हो गई थी। तो हम कहेंगे कि ड्रामानुसार एक, जैसे कि ये बहुत आवश्यक बात थी कि एक ब्रेक लग जाए, तो वो ब्रेक आने पर हम लोगों को और आगे गहराई से सोचने का मौका बना। नहीं तो जैसे चूहे होते हैं, ट्रेडमिल पर घूमते रहते, बिल्कुल रुकते नहीं है। इस हाँ तरह जी, से मानव की जीवन बन गई थी, सवेरे से रात्रि तक दिनचर्या ऐसे बनी हुई थी जिसमें कुछ सोचने की मार्जिन ही नहीं थी। तो जी मैं कहेंगी कि सभी को सोचने का समय तो मिला, और उसमें जी भी खास मुझे लगता है कि
आप सोचो कि जब महात्मा गांधी के ये शब्द आते हैं कि जब हम औरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप फिर देखो 3 उंगली मेरे तरफ ही आती। तो यदि हम दोष किसी को देते हैं तो उसमें हम उसका हिस्सा देख रहे हैं, but that is 1/4। हमारा उसमें दोष क्या है, that is 3/4। मैं उसमें मानो की एक एग्जाम्पल देती हूँ। कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो गया है, जो पोल्यूशन हो चुकी है हर प्रकार से, उसमें जो मानव और जानवर के बीच में बाउंड्री थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन के कारण या टू मच पोल्यूशन के कारण या हमारी ईटिंग हैबिट्स के कारण, कई बातें, परंतु उसमें हम सब शामिल है। अच्छा चलो मेरा अनशुद्ध वो तो शायद हो भी सकता है कईयों का, परंतु दूसरे तरफ से देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हम सबके ऊपर वो आता है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहूँ कि आप हो और मैं नहीं हूँ, दैट्स नॉट करेक्ट। हर एक ने मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ को अपना करके, वो पसंद करके, फिर उसमें जो कुछ भी आ रहा है उसके कनेक्शन से, वो हम सब रिस्पॉन्सिबल है। और उसमें जो पोल्यूशन के कारण हम सबकी इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, लो इम्यूनिटी के कारण वायरसेस हमको लगते हैं। नहीं तो कहते हैं कि वायरसेस हैव बीन अराउंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, परंतु मानव को इतना उसका नुकसान नहीं होता था, परंतु हम लोगों ने ही खान पान घूमना फिरना हर प्रकार से जो हमारी ऐश आराम की जीवन चलती थी, उस कारण से पानी भी दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई, हमारा खान पान भी दूषित हो गया। तो वो जो हम लोगों ने इग्नोर किया इन सब बातों को, इस कारण से हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही कम हो गई है। तो जल्दी वायरस पकड़ लेता कोई भी वायरस, और न सिर्फ पकड़ लेता परंतु उससे फिर अधिक नुकसान भी होता। जी, हम किसी और मनुष्य को दोष नहीं दे सकते, न हम भगवान को दोष दे सकते, न हम प्रकृति को दोष दे सकते। ये हम लोगों ने ही जो माहौल बना के रखा है उस कारण से ये सब कुछ हुआ। तो ये सब बातें हमको सिखाती है आगे के लिए हमें क्या चेंजेस लानी चाहिए। हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, अभी तो उनके ऊपर भी प्रभाव इसका आने लगा है, और उनके लिए तो स्पेशली अभी बड़े लोग कहते हैं कि इनका तो कोई दोष नहीं है, इन्होंने तो अभी अपनी, इनका जीवन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। फिर ऐसे समय में अपने माइंड को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, और आजकल के बच्चे वो लोग अपने लिए किस तरीके से प्रेरणाएं लें इस ऐसे समय में, एडवर्सिटी के समय में। आप देखेंगे कि भारत में बहुत करके हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो बेशक आज बच्चे हैं परंतु पूर्व जन्म में वो भी रिस्पॉन्सिबल थे। वो भी जब एडल्ट्स थे, तो मानो कि कोई 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, तो आप 20 वर्ष पहले की कहानी देखो, 40 वर्ष पहले की कहानी देखो, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोई आज की कहानी नहीं है। फर्स्ट इसका हमको संदेश मिला था 1964 में, एक पुस्तक लिखा गया था जिसमें उन्होंने इस सब बातों का वर्णन किया था। तो तब से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमको बताते रहे हैं, परंतु आम तौर पर सब जनता, चाहे गवर्नमेंट्स चाहे मल्टीनेशनल्स, उनकी बातों को इग्नोर करते रहे हैं। क्यों? इट वॉज नॉट कन्वीनियंट। मैन्युफैक्चरर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि उनका इनकम कम हो जाता, और बाकी आम जनता को कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि उनका जो कंफर्ट जोन है वो हिल रहा था। तो हर प्रकार से जो लिमिटेड थिंकिंग था, इस कारण से यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते हैं, मींस कि वो बिल्कुल निर्दोषी है। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल इन वन वे और अनदर। और बाकी ये भी मैं कहेंगी कि आजकल की जो जीवन है, जिसमें लोगों को बहुत वैरायटी खाना चाहिए और कम एक्सरसाइज पर ध्यान है, और जो अपना सिस्टम बना के रखना चाहिए डिसिप्लिन का, वो डिसिप्लिन अपने में नहीं होती,
तो फिर नेचुरली तबीयत पर भी उसका बहुत असर आता, जो हम उस समय रियलाइज नहीं करते हैं, परंतु फिर बाद में हमें पता चलता कि इन सब कारणों को हमने इग्नोर किया और इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग हम लोग टेलीविजन बैठ के देखते, या हम सोचते हैं कि अपने कंप्यूटर पर ही हम वीडियो देखें आदाद। तो जो लाइफस्टाइल बन गई थी उसमें सब शामिल है। बच्चे भी पहले तो स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, आजकल कहेंगे कंप्यूटर पर मुझे काम है, काम होगा 15 मिनट का और कंप्यूटर पर बैठेंगे 1 घंटा, तो और बाकी समय क्या किया? तो यही तो बात है ना कि जो नॉर्मल जीवन की सिस्टम होनी चाहिए, खाओ पियो खेलो स्टडी करो, जो कुछ करना है करो, परंतु जो नॉर्मल लाइफ है, आप सोचो कि कितना नॉर्मल लाइफ के अगेंस्ट हम चले गए हैं। तो आज जैसे समय बदलता जा रहा है, हम देख रहे हैं देर आर लॉट मेनी चेंजेस. तो टाइम हमें क्या संकेत दे रहा है? व्हाट आर द साइंस? हम उसको कैसे पकड़े, कैसे समझें कि ये समय हमें कहाँ लेके जा रहा है, किस किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? और अगर हम जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है हम उसके विपरीत चलें तो क्या होगा? अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? और हमें क्या बदलाव अपने अंदर करने चाहिए टाइम के अनुसार? मुझे लगता है कि यदि कोई शांति से, गहराई से, न सिर्फ एक कोविड की बात परंतु टोटल सिचुएशन को देखे, तो उन्हों को ये बात जरूर नजर आएंगी कि एक तो हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले गए हैं, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी न होने के कारण हम वैल्यूज से बहुत दूर चले गए हैं। और वैल्यूज है मानव जीवन का फाउंडेशन, सिविलाइजेशन का फाउंडेशन। आप सोचो कि जानवरों को भी कोई प्रोटोकॉल होती है, वो भी अपने प्रोटोकॉल को रख करके चलते हैं, नहीं तो आपस में उन्हों की भी लड़ाई शुरू हो जाती। और मानव मानव के अंदर आज इतना दोष दृष्टि, इतना जोश, इतना हर प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग, ये सब जो चल रहा है उसका कारण है कि हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को महत्व नहीं दिया। हमने जो समय अपना रखना चाहिए, कुछ परमात्मा के लिए समय रखो, कुछ अपने लिए समय रखो, कुछ परिवार के लिए और बाकी कुछ अपने कारोबार के लिए, परंतु हम लोगों ने धन कमाने का धुन लगा लिया, तो फिर परिवार को भी इतना ध्यान नहीं दिया, स्वयं को भी इतना ध्यान नहीं दिया, परमात्मा को तो हम पूरा ही भूल गए। तो समय हमको संकेत दे रहा है कि जागो मानव, जागो। जब तक आपने खुद को नहीं पहचाना और अपने आंतरिक वैल्यूज को, जीवन के मूल्य को नहीं जाना और जीवन में वो अपना धारण करके नहीं चले हैं, तब तक ये अंधेरी रात चलती रहेंगी, तब तक ये जो दुख की घड़ी है वो भी चलती रहेंगी। जिस घड़ी मानव आत्मा जागृत होती है और उस जागृति में खुद को देख सकती, परमात्मा को देख सकती, और तीसरी बात, मुझे अब क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये तीन बातों को जानने से मुझे लगता है कि समय हमको इशारा दे रहा है कि अति का अंत अवश्य आएगा। बिल्कुल अति अंधेरा है, परंतु दे से द सन डॉन्स आफ्टर द मिडनाइट, आफ्टर द डार्केस्ट आवर। द डार्केस्ट आवर से हम गुजर रहे हैं, परंतु आगे का समय है प्रकाश का समय, ज्योति का समय। तो फिर हम आज यदि तैयारी करें, जाग करके हमें क्या करना है, जागृत स्थिति में हमें खुद को देखना है, परमात्मा को याद करना है, ताकि परमात्मा के द्वारा हम ऐसे शक्ति लेवे कि जो मेरे अंदर में वो ओरिजिनल हमारी वैल्यूज थे, हमारे संस्कार थे, वो फिर से उत्पन्न हो और मैं अपने जीवन में उसको धारण करके चलूं। क्योंकि दुख की घड़ी सहनी होती है, और आज न सिर्फ एक व्यक्ति को दुख है, सारे विश्व में किसी न किसी प्रकार से दुख तो है ही है, परंतु कोविड के आने के कारण कई प्रकार के दुख मल्टीप्लाई हो गए।
मानो कि एक तरफ तो हम कहेंगे कि हाँ घर पे सारा परिवार इकट्ठा रहा, और वैसे तो टाइम नहीं होता था जो परिवार आपस में मिले, परंतु ये भी रियलिटी है, कई लोग जो घर में बंद बैठे हुए हैं उन्हों को मेंटल डिप्रेशन, उन्हों को बहुत उसका तनाव भी आ चुका है, और फिर साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज हो चुकी है। तो देयर्स अप्स एंड डाउन्स, दोनों बातें। तो जी अभी हमें समय की पहचान ये करनी है कि हम आत्मा की जागृति करें, और फिर उस आधार पर हम अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लाएं, अपने लिए समय निकाले, परमात्मा के लिए समय निकाले, तो फिर बाकी सब समस्याएं ठीक हो सकती। जी दीदी, अभी आपने जैसे बताया हमको कि परमात्मा एक उम्मीद हम कह सकते हैं हमारे लिए है, देर इज स्टिल अ होप इज इन दिस एडवर्सिटी। तो जैसे हम इतने समय से घरों में बंद हैं और इतने सारे रिलेशंस में अभी हम डील कर रहे हैं, तो एक बात आती है कि अब धीरे धीरे हम विश्वास भी खो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और हम सहारा ढूंढते हैं ऐसे समय में कि कौन मेरा सहारा बनेगा, लंबे समय तक कौन मुझे संभालेगा और किस पे मैं विश्वास करूं। तो ये सहारा, ये विश्वास, ये भरोसा हमारा कौन बन सकता है जो हमेशा हमें संभाल के रखे, हमें प्रोटेक्ट करे, और उसी सहारे को हम अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण की तरह महसूस करें और वो सदा उज्जवल रहे, वो सदा उम्मीद की किरण कायम रहे, वो कभी गायब ना हो। तो वो सहारा, वो उम्मीद क्या परमात्मा बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो किस प्रकार से बन सकते हैं? आपने क्वेश्चन भी ठीक पूछा, परंतु उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट दिया, क्योंकि जिस प्रकार से आप कहते थे मनुष्य तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य सदा मेरा सहारा बन के रहे, मनुष्य सदा हमारे को राह दिखाए, हमारा हाथ पकड़ के चले, हमें उम्मीद का तारा दिखाए, कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं है जो सदा के लिए वो कर सके। परंतु ये परमात्मा का वायदा है मनुष्य आत्माओं के साथ, जब जबकि धर्म की गिलानी होती, मैं अवतरित होकर के सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो सत धर्म में हम कहेंगे वो सत्यता का धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म वो ही है, परंतु वो शब्दों को न उठाकर हम यही सोचें कि हाँ आज के जीवन में मेरा एक सहारा वो है जिस द्वारा मुझे वो शक्ति मिल सकती, जिस द्वारा मेरे जीवन में कुछ अंदर भी रोशनी आ सकती। अंदर की रोशनी आ गई उसका मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, मेरे परिवार को उसका सहयोग मिला, और परिवार के अंदर परिवर्तन आ गया तो मैं कहेंगे कि देश को भी उसका कुछ फायदा होता। ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि परमात्मा जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, जिसका चित्र आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो वो ज्योति स्वरूप चित्र को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिखाया है, परंतु मैं अपने को खुद भी ज्योति स्वरूप आत्मा मानकर, उस परमात्मा को मानकर, उस परमात्मा के साथ मैं बुद्धि का योग जोड़ती हूँ, मीन्स बुद्धि को यहाँ वहां संसार की बातों से हटाकर मैं उसके पास अपना संबंध जोड़ती हूँ, तो उस एक संबंध जोड़ने में मुझे सर्व प्रकार की प्राप्ति आ सकती, चाहे प्रेम हो, चाहे सत्यता हो, चाहे पवित्रता हो, हर प्रकार की शक्ति हमें उन द्वारा प्राप्त हो सकती। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहां वहां के सहारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं यदि ये मान जाऊं कि वो ऊपर वाला मेरा सहारा है, और उसको जानकर मैं आत्मा समझकर उसके याद में बैठकर उसके साथ संबंध जोड़ती हूँ, तो मुझे सर्व प्रकार की प्राप्ति मिल सकती जिसमें मेरा परिवर्तन हो सकता। और हम सबका जैसे ही इस प्रकार से परिवर्तन होता तो विश्व से अधर्म मिटता,
और इसी विश्व के अंदर फिर हम देखेंगे कि सत्यता का धर्म कैसे उज्जवल होता। तो ये एक एक सहारा है, तो बुद्धि का योग उसके साथ लगा करके जो कुछ मेरा अधिकार लगता है, जो कुछ मेरा प्यार लगता, वो हमें प्राप्त हो ही जाएगा अवश्य। दीदी, आप हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी इसमें कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जैसे ही आप शांति से बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें, और आप आंखें बंद भी कर सकते, परंतु आप आंखें खोल के करेंगे तो आप ये जो ज्योति स्वरूप का चित्र है उस पर अपने आंखें को भी एकाग्र करेंगे। तो जो मैं अपने विचार सुनाती रहेंगी योग के लिए, आप भी अपने मन को उस अनुसार आप चलाते रहेंगे। मन में पहला यही प्रश्न आता कि मैं कौन हूं, और अंदर अंदर ही उत्तर आता कि मैं हूं आत्मा, ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा। और मुझ आत्मा के अंदर सर्वगुण, सर्वशक्तियां प्राप्त हो रही। मन एक की याद में लग रहा है, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। वो हमें प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, सत्यता की शक्ति, सर्व शक्तियों से परमात्मा हमें भरपूर करती जा रही है। आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन, यही बात का याद दिलाता मैं कौन हूं। मेरा बाप कौन है और मुझे अब क्या करना है। उसी याद की स्थिति में मैं अब वापस इस देह के संसार में ध्यान देती और यहां पर साकार में आते भी जो मेरे अनुभव है साथ लाकर मैं अपना कार्य परमात्मा के सहारे अब शुरू करते। ओम शांति। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बहुत सिंपल अभ्यास यदि करता रहे कई बार एक दिन में, हाँ सवेरे का मेडिटेशन का टाइम बहुत अच्छा रहता। शाम को भी कहते हैं कि फरिश्ते घूमते हैं सृष्टि के ऊपर, परंतु विशेष संबंध की बात होती
और जब संबंध की बात आती तो आप घड़ी देख करके ये नहीं कहेंगे हाँ अभी संबंध है, अभी संबंध खत्म हुआ। संबंध का मतलब ही है वो जीवन भर चलेगा। तो परमात्मा को भी हम ऐसे ना सोचे कि मुझे सप्ताह में एक बार मंदिर में जाना है, नहीं, हर प्रकार से अपने जीवन में वो गहरे अनुभव करते रहे और औरों के साथ भी शेयर करते रहे। दीदी, जैसे आपने हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो बताया, लेकिन इसके साथ हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल होती क्या है? क्योंकि केवल मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाए वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए तो हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए रहे तो लाइफस्टाइल उसमें क्या बदलाव हमें करने चाहिए? सही बात है कि यदि एक एक्सरसाइज करो आधे घंटे के लिए वो तो ठीक है, आप फिर दिन भर जो आप करनी चाहो वो आप करते रहो। परंतु हम राजयोग कहते ही हैं कर्म योग। कर्म में हम जो जिम्मेवारी है वो पूर्ण रीति से, अच्छी रीति से, सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से करें, परंतु साथ ही साथ कर्म करते भी मेरा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। तो ऐसे होऊंगा जो परमात्मा की शक्ति और शांति मुझे मिलती रहेंगी, और हाँ जो भी कार्य सामने आते हैं वो हम सब उसमें सफल हो सकते हैं। परंतु क्योंकि इसका कोई फिजिकल बात नहीं है कि हमें सिर्फ एक स्थान पर बैठ के योग करना है, एक मूर्ति को देख करके योग करना है, नहीं, आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस बीच में आपकी बुद्धि ऊपर से कनेक्शन में रहे तो आपको वो शक्ति, शांति, खुशी मिलती ही रहेंगी। तो उसमें हाँ, एक तो हमें ये देखना होता कि हमारा खान पान सात्विक हो। तो उसमें ये तो हमने देखा है कि जिसको हम प्लांट बेस्ड डाइट कहते हैं, न सिर्फ वेजिटेरियन परंतु एवरीथिंग प्लांट बेस्ड, मानो कि जो हम दूध पीते हैं वो प्लांट बेस्ड है या कोई गाय को हमने बीमार करके उसका दूध छीन लिया। तो प्लांट बेस्ड डाइट से क्या होता, वो बिल्कुल अहिंसक है। तो अहिंसा के कारण हमारे मन को शांति मिल सकती। आपने सुना होगा जैसा अन्न वैसा मन। तो जो हम भोजन पान करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मन की स्थिति पर आता। मानो जैसे आप कोई नेगेटिव फिल्म देख रहे हैं, बहुत युद्ध चल रहा है मनुष्यों का जी। तो आपके मन में वही स्वप्न आते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मानो कि हमने भोजन जो पान किया उसका सोर्स है वायलेंस, अग्रेशन, तो फिर वो जो हम खाएंगे उसका मेरे मन के ऊपर असर क्या होगा। आजकल तो इस बात की भी बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है और लोग इस बात को मानते हैं कि चाहे हेल्थ के कारण, चाहे एनवायरनमेंट के कारण, चाहे स्पिरिचुअलिटी के कारण, हमें यही राय मिल रही है सब तरफ से, प्लांट बेस्ड डाइट, मतलब कि वैष्णव भोजन हम पान करें। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चेंज है, परंतु जब ये चेंज आती है व्यक्तिगत रीति से, चाहे परिवार में, चाहे अनेक परिवार मिलकर के इस आंदोलन को उठाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफल हो सकते। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने हमें आज के समय में क्या बहुत जरूरी है और उम्मीद क्या है, हम किसको अपना सहारा बनाए और क्या क्या परिवर्तन हम अपने अंदर करें समय अनुसार, उसके बारे में हमें इतनी सारी बातें आपने बताई। आपका हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। हम फिर दोबारा आपको जरूर बुलाते रहेंगे हमारे इस कॉन्फ्रेंस में। आपकी कुछ शुभ प्रेरणाएं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अगर आप देना चाहते हैं। मैं कहेंगी कि सवेरे उठकर कुछ समय परमात्मा के नाम पर आप परमात्मा को याद करें, दिन भर बीच बीच में खुद को देखते रहें कि मेरा कर्म योग का चल रहा है या मैं कर्म में लिप्त हो गया तो योग भूल गया,
तो दिन भर थोड़ी अपनी कर्म योग की स्थिति अवश्य देखें और रात्रि के समय अपनी दिनचर्या देख लें कि आज का दिन श्रेष्ठ कर्म कहाँ तक थे और मिडलिंग कर्म कहाँ तक थे, मध्यम, और फिर तीसरा बिल्कुल जो कलयुग की बातें हैं, तमोगुण की बातें हैं, क्या मेरे अंदर वो तमोगुण अब तक है, क्या मैंने अपने पुरुषार्थ से इन सब बातों को पार करके अपने संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प बनाया जिस आधार पर मेरी जीवन योगी जीवन बन सकती। और योगी जीवन का ये मतलब नहीं कि कोई डिप्रिवेशन है, योगी जीवन का मतलब है जहां पर हमें परमात्मा के द्वारा बहुत प्राप्ति हो सकती। जी, थैंक यू सो मच दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति जी, थैंक यू।